नीतिक रूप से। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आभारी आपका। और आप बिल्कुल सही समय पर सामयिक चर्चाएं करते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। देखिए, आपने जैसा कि अपने अभी वक्तव्य में कहा है कि बीएसपी का वोट शेयर घटा है और सपा का बढ़ा है, और अधिकांश दल जो है एसपी और भाजपा के साथ गए थे। लेकिन ये जहां तक ये बात है कि यदि बीएसपी से कुछ दलों को निराशा हाथ हुई है, तो भाजपा से तो पूरी तरह निराश है। यदि बीएसपी से निराशा हाथ लगी है तो वोट छिटका है, ये सही बात है। लेकिन भाजपा से जो आशा थी, माना भाजपा से तो कोई आशा ही नहीं दल लगाते हैं, लेकिन जो निराशा बढ़ रही है वो इस रूप में बढ़ने के सामाजिक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जी जब संविधान ही नहीं रहेगा, बोलने की ताकत ही नहीं रहेगी, तो असहज और मतलब किस तरह से माहौल होगा। अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी संदेश खाली गए हैं, मणिपुर जाने का उन्हें मौका नहीं मिला। अभी हमीरपुर में जो जी गैंगरेप हुआ, अभी कानपुर में जो गैंगरेप हुआ हमीरपुर की दो बहनों का, उन्होंने सुसाइड किया, पिता ने भी तंग आकर के आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा भारत हमारा परिवार है, उनके परिवार में दलित भी शामिल है कि नहीं है? वो पिता ने हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली है, दो बहनें, वहां ना सीएम गए हैं ना कोई गया है ना कोई, और अपराधी घूम रहे हैं, मतलब धमकियां दे रहे हैं, तो दलित क्या मैसेज लें? मतलब ये सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी दलित के लिए ये है कि सुरक्षा उसको प्रदान की जाए, उसके जैसे हजारों वर्ष से सम्मान से वंचित किया गया, उसका सम्मान जी बरकरार रखा जाए। लेकिन भाजपा इसमें वो तो मैं राम सर राज्य की ये कल्पना में समझना लीन चाहता है। हूं कि इस वक्त दलित समाज का राजनीतिक चिंतन क्या है। देखिए, ये तो पक्की बात है कि ये सही बात है, हो सकता है कि बहन जी चुनाव आचार संहिता के बाद पूरी तरह से सक्रिय हों, अभी उन्होंने अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं, और अंदरूनी तौर पर काम चल रहा है, बीएसपी का काम जो है कैडर स्तर पर चल रहा है, अपने वोट बैंक को संभालने में लगे हुए हैं सारे कार्यकर्ता। ये सही बात है कि दलितों का जो वोट को छिटक रहा था वो परेशान है कि कहाँ जाए, तो ये तो सही बात है, भाजपा के पास तो नहीं जाने वाला, चाहे वो किसी प्रकार के लाभार्थी योजना चलाते रहें, कुछ चलाते रहें, जी क्योंकि जो समझदार दलित है वो भी, और जो मजदूर सर्वहारा है वो भी जानता है कि हमारा हित सुरक्षित कहाँ है। हाँ, ये सही बात है कि बीएसपी से छिटका हुआ वोट यदि कहीं जाएगा तो उसको सपा